तैयारियां कंप्लीट कर ली है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अभी कुछ दिन पूर्व से ही हम रिसेप्शन का असेसमेंट और इंटेलिजेंस कलेक्शन से शुरू होकर के फोर्स डिप्लॉयमेंट के प्लान अच्छे तरीके से किए हैं और कई चक्रों में सुरक्षा रहेगा। इसके एक एसपीजी जो क्लोज प्रोटेक्शन वाले रहेंगे, इसके बाद सिविल पुलिस के रहेंगे और उनके साथ साथ स्टैटिक डिप्लॉयमेंट्स भी होंगे और पैरामिलिट्री के भी कुछ डिप्लॉयमेंट्स होंगे। इसी प्रकार का हम रूफ टॉप्स भी कवर कर रहे हैं, कैमरा से भी कवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिला करके बहुत सीरियसली और बहुत टाइटली व्यवस्था किया जा रहा है। बात करें सर, लंका से गोदलिया तक के बीच में कई बिल्डिंगें बड़ी ऊंची ऊंची है, उन पर भी कुछ फोर्सेज की तैनाती होंगी सुरक्षा के मद्देनजर? हाँ बिल्कुल रहेंगे, फोर्स की तैनाती रहेगी और इनके जो बाकी जो वहाँ पर जो आने वालों के भी और इसके जो क्राउड कंट्रोल के भी व्यवस्था रहेगा और गलियों का भी में भी डिप्लॉयमेंट रहेगा। कितनी संख्या होगी सुरक्षा? ये ऑपरेशनल डिटेल है, हम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जितनी आवश्यकता है हम प्लान करके असेसमेंट करके पर्याप्त संख्या में हमारे फोर्सेस हैं। संवेदनशील एरिया से होकर गुजरेगी? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो कहीं भी हो, जो भी जो किसी जगह पर कहीं भी जो भ्रमण होता है, हमेशा के लिए एक इसका असेसमेंट सीनियर लेवल में भी किया जाता है। तो हर प्रकार का व्यवस्था होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम कहीं से आने नहीं पाएगा। थैंक यू।